हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार्टून्स। तो ये है इंडिया की बेस्ट कार। व्हाई आई एम कॉलिंग इट इंडिया की बेस्ट कार, बिकॉज इस कार ने इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। आउट ऑफ ऑल द कार्स, ऑल द लॉन्चर्स, इसको अवार्ड मिला है। सो क्यों मिला है, ऐसी क्या क्या चीजें उसमें है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, आज हम लोग हैं दावणगेरे के केजी हुंडई के शोरूम में। अगर आपको कोई भी हुंडई का प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले इस गाड़ी की प्राइस से शुरुआत करें तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 6.12 लाख एक्स शोरूम टू 10.27 लाख एक्स शोरूम तक का इस गाड़ी का प्राइस जाता है। अब इस कार को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों मिला है, क्या ये सबसे तेज कार है या फिर इसमें सबसे ज्यादा मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, फिर या फिर ये सबसे बड़ी कार है, ऐसा तो नहीं है, फिर क्यों मिला है, बिकॉज जो ये कार का प्राइस है उस प्राइस में यहाँ पे आपको जो चीजें मिल रही है ना, जो बैलेंस मिल रहा है, जो वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, जो कोटेशन मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड। सो इस कार का प्राइस है ना, उस प्राइस में यहाँ पे जो इंजन मिल रहा है, जो स्पेस मिलता है, जो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन मिल रहा है, वो आपको कोई भी कार में नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई दिस कार is awarded with Indian car of the year। So अब इस गाड़ी के variants की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको EX, SX, optional करके और CNG के भी variants इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। बाकी अब हम लोग इस गाड़ी के फ्रंट से शुरुआत करें तो फ्रंट में ना आपको एकदम बोल्ड लुक्स मिलता है, एकदम SUV वाला फील आता है, जो कि इंडियंस की बहुत ज्यादा पसंद है। सो यहाँ पे डिटेलिंग में बात करेंगे तो Hyundai का लोगो आपको ऊपर मिल जाता है, पूरा आपको फाइबर में ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप मिल जाती है, एक्स्टर की बैटिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, नीचे आपको पियानो ब्लैक कलर के फिनिश में ग्रिल मिल जाती है पूरी, यहाँ पे आपको H डिजाइन में DRL मिल जाते हैं, टर्न सिग्नल से आपको LED मिल जाते हैं। बाकी नीचे देखेंगे तो प्रोजेक्टर हैलोजन सेटअप आपको मिल जाता है, इधर नीचे की तरफ भी आपको ब्लैक कलर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। सो यहाँ पे आपको एक SUV वाला फ्रंट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम एक काफी अच्छा लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। बाकी अब हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में भी आपको इस प्राइस पॉइंट में भी एक बड़ी कार का फील आता है। सो ये सब आपको देखो, ये कट्स एंड ऑल काफी अच्छा लुक्स इस गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम लोग इसके टायर प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे आपको इसकी टायर साइज की बात करेंगे तो इधर 175/65 R 15 इंचेस के यहाँ पे आपको डायमंड कट डिजाइन में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, स्मार्ट ऑटो की बैटरी मिल जाती है, ऑटो फोल्डेबल ओवरवेंस मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स। बाकी यहाँ पे इधर डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ये रूफ रेल्स मिल जाते हैं। बाकी इधर देखेंगे तो ये काफी अच्छा खूबसूरत सा यहाँ पे आपको टेक्सचर मिल जाता है पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ आपको देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं हम इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे अगेन आपको एकदम मॉडर्न लुक मिलता है। बाकी डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में हुंडई का लोगो मिल जाता है, अगेन ये टेक्सचर आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्टर की बैटरी मिल जाती है, हेच शेप में यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर हैलोजन में मिल जाते हैं, बाकी रिवर्स लाइट भी आपको हैलोजन में मिल जाता है। बाकी इधर देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ बात करेंगे तो रियर वाइपर मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, इधर देखेंगे तो हाई स्टॉप ब्रेकलेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ भी आपको अच्छा खासा एक टेक्सचर दिया गया है बम्पर में, बाकी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। सो एक्सटीरियर में ही आप देखोगे ना, जो जो इंडियन बायर्स को चाहिए वो सारे चीजें इसमें है, जैसे SUV वाला लुक, रिफाइनमेंट, बड़ी गाड़ी का फील है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक, आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट। बाकी इंटीरियर में जाने से पहले एक बार इस गाड़ी के हम लोग की फॉब की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने के बटन मिल जाते हैं, पीछे की तरफ आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है। बाकी एक बार इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ओपनिंग टेलगेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। सो अगेन यहाँ पे आपको अच्छा बूट स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको सिंगल सीट है, 60:40 सीट नहीं है। सो वो एक होना चाहिए था, सो वही है, आपको कोई भी कार में सारे चीजें नहीं मिलती है। बाकी अच्छा खासा बूट स्पेस है, यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह मिल जाती है। बाकी स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टील रिम के साथ मिल जाती है स्पेयर व्हील। बाकी इसकी भी साइज की बात करेंगे तो ये आपको 14 इंचेस की यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाती है। बाकी इधर देखेंगे तो एक लैंप आपको मिल जाता है। बाकी एक बार इसके इंटीरियर में लुक्स की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से बाहर से गाड़ी दिखती है। बाकी अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। बाकी इसके सेकेंड रो से हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे डोर खोलेंगे पूरा ही ब्लैक टूट यहाँ पे आपको डोर मिल जाता है, पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, सॉफ्ट टच मिल जाता है।
बाकी यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है, पावर विंडो को अपडाउन करने का बटन मिलता है, यहाँ पे देखेंगे तो डोर पॉकेट्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो स्पीकर मिल जाता है आपको। बाकी सेकंड रो का लुक कुछ इस तरीके से इस गाड़ी में आता है, यहाँ पे आपको दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक कैपेसिटी के यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाते हैं, काफी कंफर्टेबल यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाते हैं। सो एक बार इसके स्पेसिंग की बात करेंगे तो सामने की सीट अच्छी खासी यहाँ पे एडजस्ट रहने पर भी आपको इतनी अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है, लेग रूम अच्छा खासा मिलता है, लेग ओपनिंग एरिया अच्छा खासा मिलता है, अंडर सी सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी एक बार बैठने की पोस्चर देखेंगे तो अच्छा रिक्लाइन एंगल है, सो द सेकेंड रो इज वेरी कंफर्टेबल। बाकी एक बार इसके हेडरूम की भी बात करेंगे तो अच्छा खासा काफी ज्यादा यहाँ पे आपको हेडरूम में भी स्पेस मिल जाता है, आपको ज्यादा हाइट रहने पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन में लैंप मिल जाती है, पीछे की रो में हमें नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इसके नीचे पावर आउटपुट्स की बात करेंगे तो एक सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, बाकी सेंटर में थोड़ा सा आपको हम्प मिल जाता है। लुकिंग एट द विड्थ ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे आप दो अडल्ट्स एक बच्चे को आराम से बैठा के ट्रैवल कर सकते हो। बाकी यही था इस गाड़ी के सेकंड रो का लुक, अब चलते हैं अपन सामने की तरफ। बाकी इसके ड्राइवर कैबिन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जैसे डोर ओपन करेंगे काफी वाइट डोर यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे भी पूरा ब्लैक नोट कलर मिल जाता है, पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, डोर ओपनिंग लीवर मिलता है, चारों विंडोज को अप डाउन करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडोज के, यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, वॉल्यूम को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे डोर पॉकेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। बाकी एक बार ड्राइवर कैबिन की लुक की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आता है, यहाँ पे सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटर में फैब्रिक अपोस्टरी के सीट्स मिल जाते हैं, साइड में आपको लेदराइट फिनिश दिया गया है, बाकी दोनों ही यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी एक बार इसके बटन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, ये जेट इंजन के डिजाइन में यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, बाकी इसके राउंड यहाँ पे आपको ग्रीनिश शेड में कलर दिया गया है, सराउंड आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। डैशबोर्ड के मटेरियल की बात करेंगे तो पूरा ही हार्ड प्लास्टिक आपको मिल जाता है। इधर नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, कैमरा के व्यू का बटन मिल जाता है, हेडलाइट ट्रेलर को एडजस्ट करने के बटन मिल जाते हैं, बाकी सीट्स को एडजस्ट करने के नॉर्मल लीवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील से अंदर बैठ के डिटेलिंग में बात करते हैं। जैसे ही आप अंदर बैठते हो एक एसयूवी वाली फील आती है, पूरा बॉनेट विजिबल आपको सामने से दिख जाता है। सो अगेन जो इंडियंस को पसंद है ना एसयूवी वाली फील आती है, उसके बाद जो फिट एंड फिनिश है ना, एक एक चीज प्रॉपरली अलाइंड है, और यहाँ पे आपको एक्सटीरियर कलर के हिसाब से इंटीरियर कलर मिलता है, कस्टमाइज्ड भी आप करा सकते हो, वो भी एक अच्छा लगता है कस्टमर्स को। बाकी स्टीयरिंग व्हील से हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, बाकी इधर कंट्रोल्स की बात करेंगे तो इन्फो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के क्रूज कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं, इधर देखेंगे तो सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे दोनों ही आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं प्लस माइनस, बाकी इधर के लीवर की बात करेंगे तो ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं, इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इसके स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, बाकी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट से टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRV मिल जाता है, यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे आपको बाहर का पूरा रिकॉर्ड करने के लिए डैश कैम का भी फीचर मिल जाता है, सो वो एक काफी अच्छी बात यहाँ पे आपको हो जाती है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन लैंप मिल जाते हैं, इधर पैनोरमिक सनरूफ को ओपन करने का बटन मिल जाता है, पैनोरमिक नहीं छोटा सा सनरूफ मिलता है, सो अच्छा ओपनिंग एरिया है, इससे अच्छी काफी अच्छी ब्राइटनेस अंदर आएगी, कैबिन भी काफी अच्छी एयरी फील होगी, सो वो एक अच्छी बात है। बाकी इधर देखेंगे तो एक माइक मिल जाता है, इधर फोर ड्राइवर साइड की सनविजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बाकी इधर पूरा आपको एक अच्छा खासा टेक्सचर मिल जाता है ब्लैक कलर में सॉफ्ट टच में, बाकी यहाँ पे भी अगेन जेट इंजन के डिजाइन के एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इधर थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है, बाकी इधर ग्लो बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है, काफी अच्छी स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, काफी अच्छी स्पेस है, सो वो एक अच्छी बात है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इधर देखेंगे तो आरपीएम का मीटर मिल जाता है, सेंटर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, इधर पूरे वार्निंग इंडिकेटर्स आएंगे, टेम्परेचर का गेज मिल जाता है, इधर गियर शिफ्ट का इंडिकेटर मिलता है, बाकी यहाँ पे क्या क्या मिलता बोले तो इधर ये कंपास मिलता है, टीपीएमएस मिल जाता है, और इधर सिंस रिफिलिंग सिंस लास्ट रिफिल करेक्ट ट्रिपे ट्रिपी ये सारी रेंज सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। बाकी अब इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको
8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। बाकी ऑन द टॉप एंड वेरिएंट आपको यहाँ पे डैश कैम मिल रहा है, सो जो कि यहाँ पे आप अभी हम लोगों ने दिखाया। बाकी इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन मिल जाते हैं, ये पूरा लेआउट आपको कनेक्टेड मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम का स्लाइडर मिल जाता है। बाकी और इधर क्या क्या मिलता बोले तो मैप, नेविगेशन, फोन, जो जो सारी ये हुंडई की गाड़ियों में जो जो होता है वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले दोनों को ये सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पे आपको नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, वॉइस रिकग्निशन, यहाँ पे व्हीकल में देखेंगे तो सारे वार्निंग मेथड्स, पार्किंग सेफ्टी, क्लस्टर का यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, क्लाइमेट लाइट्स को ऑन ऑफ करने का, वो सब कुछ यहाँ पे आपको सारी इजी टू रीड सिस्टम है, काफी क्रिस्प है, काफी अच्छा खासा टच रेस्पॉन्स भी इसका मिल जाता है आपको। बाकी एक बार इस गाड़ी के रिवर्स कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती है, कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। सो यही था इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का। बाकी एक बार नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सेंटर में आपको पार्किंग लाइट को ऑन ऑफ करने के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। पावर आउटपुट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, बाकी इधर भी आपको पावर सॉकेट मिलता है, टाइप सी का भी एक पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है। इधर आपको ऑटोमेटिक का शिफ्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट एक मिसिंग है, इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। सो यही था इस गाड़ी के ड्राइवर कैबिन का रिव्यू। बाकी आप बात करते हैं इसके सेफ्टी के बारे में, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं फ्रॉम द बेस मॉडल, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल फ्रॉम द सेकंड बेस मॉडल, यहाँ पे आपको हिल होल्ड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी TPMS एंड ऑल सारे बेसिक से लेकर एडवांस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे, सो उसके मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इंजन की डिटेल्स हम लोग बाहर जाके बात करें कि एक बार इस गाड़ी के इंजन की हम लोग बात करेंगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी हेवी आपको इंजन में मिल जाता है। तो इस गाड़ी के इंजन के स्पेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 83 PS एंड 113.8 Nm का टॉर्क, मैनुअल मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिलता है, CNG के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सो वो एक अच्छी बात है। सो इफ वी कंपेयर्ड विद द कंपटीशन, यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर इंजन मिलता है। अगर आप कंपटीशन में देखोगे तो आपको 3 सिलेंडर ऐसे इंजन मिलते हैं, सो ज्यादा यहाँ पे आपको ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा पावर मिलती है। सो यही मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस गाड़ी का बैलेंस काफी ज्यादा अच्छा मेंटेन किया गया है। ऊपर देखेंगे तो इंसुलेशन नहीं मिलता, काफी स्मूथ इंजन मिल जाती है। बाकी इसके बिल्ड क्वालिटी की भी बात करेंगे तो काफी हेवी हुड ये मिल जाता है आपको। तो अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं वर्डिक्ट के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 5 से 10 लाख में कोई कार लेने का सोच रहे हो तो आपको Hyundai Exter को जरूर कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक SUV वाला फील आता है, एक बहुत अच्छा इंजन मिलता है, इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कैबिन के अंदर, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, कस्टमर फीडबैक अच्छा है, सर्विस नेटवर्क इज वेरी गुड एंड अकॉर्डिंग टू मी विद द अवार्ड ये सारी चीजें कंफर्म भी हो जाती है। सो अगर आप 5 से 10 लाख में कोई गाड़ी देख रहे हो तो You can't miss Hyundai Exter. So यही था इस गाड़ी का पूरा रिव्यू। बाकी आपको कोई भी Hyundai का प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके शोरूम पे विजिट कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।